हाय मदन चक्र में आपका स्वागत है। 4 नवंबर 2020 को है करवा चौथ का व्रत और हर मैरिड कपल, हर एक जो महिला है करवा चौथ को लेकर बहुत एक्साइटेड रहती है, बहुत ज़्यादा वेट रहता है और हमारे लिए बहुत ही एक स्पेशल डे होता है। लेकिन बात आती है प्रेगनेंसी की, तो हमें प्रेगनेंसी में बेबी की भी चिंता होती है और हमारे लिए स्पेशल डे भी होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान हमें फास्ट करें या फिर नहीं करें, बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा मन नहीं मानता है, अगर आप करते हैं तो बच्चे का डर रहता है कि बच्चे पे कोई गलत इम्पैक्ट तो नहीं पड़ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी में नोजिया है, वोमिटिंग है, आपकी एसिडिटी है, सीने में जलन है, कॉन्स्टिपेशन है, ये दिक्कत काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर आप पूरा दिन खाली पेट रहते हो तो ये दिक्कत आपको ज़्यादा बढ़ सकती है, आपकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ सकती है। प्रेगनेंसी में पानी की डिमांड हमें ज्यादा होती है। अगर आप पूरे दिन कुछ पीते भी नहीं है तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है और इससे बच्चे पे भी गलत इफेक्ट पड़ सकता है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी रिस्क पे चल रही है, आपका एच बी कम है, आपका बीपी ज़्यादा है, शुगर की कोई दिक्कत है, थायरॉइड की आपको दिक्कत है, यानी अगर आप सप्लीमेंट्स के अलावा जैसे आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड और विटामिन्स के अलावा अगर आपका डॉक्टर कोई भी अदर मेडिसिन आपको दे रहा है जो आपके लिए रिस्की है, उस कंडीशन में आपको फास्ट ना करें तो ही बेहतर है। अगर आप फिर भी करना चाहती हैं तो अपने डॉक्टर की राय जरूर लें, आपका डॉक्टर आपको ज़्यादा अच्छे से जानता है कि आपकी प्रेगनेंसी कितने रिस्क पे है। अगर जिनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो समाज में है इस व्रत की बहुत ज़्यादा मान्यता है। कई बार फैमिली वाले नहीं मानते, कई बार हमारा मन भी नहीं मानता। जैसे मेरा जो प्रेगनेंसी थी उस टाइम मेरा पहला करवा चौथ था, तो उस टाइम में डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि कविता मत करना, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था कि एक साल व्रत नहीं करोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा दिल, मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा था, क्योंकि मेरा पहला करवा चौथ था, अगर मैं उससे ये नहीं करूंगी तो मतलब मुझे गलत फीलिंग आ रही थी, तो इसलिए मैंने किया। तो मैंने क्या किया कि रात को 12 बजने से पहले ही मैंने अच्छे से पेट भर लिया। नेक्स्ट डे मैं आराम से उठी, उठने के बाद और मैं और मेरे हस्बैंड हैं अकेले रहते थे तो मैंने ओट्स बनाए। ओट्स हार्डली 5-10 मिनट में बन जाते हैं, तो उनका नाश्ता भी हो गया। मैंने नहाया धोया, पूजा पाठ की, उसके बाद अपना नाश्ता पानी कर लिया था। तो उस दिन आपको भी हार्ड वर्क नहीं करना है कि झाड़ू पोछे के लग जाओ और आप कुछ खाओ पियो भी नहीं। तो अगर आप झाड़ू पोछा करो तो पहले वाले दिन शाम को आप कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट डे वो करना ना पड़े। आपने जो भी फेशियल वगैरह करना है, कटिंग वगैरह करवानी है, बाहर शॉपिंग के लिए जाना है, मेहंदी वगैरह लगवानी है, जो भी कुछ करना है वो पहले दिन ही अपना काम निपटा लीजिए। अगले दिन जो भी कपड़े पहने हैं उनको प्रेस करनी है, वो भी पहले वाले दिन ही कर लीजिए। नेक्स्ट डे के लिए आपने कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखना है। नेक्स्ट डे जितना हो सके आप रेस्ट कीजिए और हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते पीते रहिए। तो इससे क्या होगा कि आपके मन को तसल्ली मिल जाएगी कि आपने किया है, और आपको बच्चे को लेकर भी आपके दिल में एक सेटिस्फेक्शन होगी कि मेरा बच्चा भूखा नहीं है, क्योंकि बच्चा आपसे ही ले रहा है। अगर आप पूरे दिन अगर खाती पीती नहीं हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में और ज़्यादा हमें भूख लगती है, 2-3 घंटे में हमें कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, तो अगर हो सकता है कि आपको दोपहर तक आपको फील ना हो लेकिन शाम तक आपकी तबीयत खराब हो सकती है, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। फास्ट करिए लेकिन खाने पीने का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। कोई भी सवाल है आपको फास्ट को लेकर तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।